अदाकार दीप सिद्धू दी सोनीपत नेड़े सड़क हादसे विच मौत हो गई है। पिपली टोल उत्ते दीप सिद्धू दी कार एक ट्रक नाल टकरा गई। कार विच दीप सिद्धू ते उन्हां दे नाल उन्हां दी एक साथी भी सन जो जख्मी होए ने। लगभग 9:30 बजे इन्फॉर्मेशन आई थी कि एक केएमपी पर एक्सीडेंट होने के बाद एक व्यक्ति को इलाज के लिए यहाँ पर लेके आया गया है और उनके साथ उनकी एक फीमेल साथी है, दोनों लोगों को साथ लाया गया है और दौरान इलाज मेल थे उनकी डेथ हो गई है और जो उनके साथ फीमेल उनकी साथ रोक लो फीमेल उनके साथ थी उनको उनका इलाज ट्रीटमेंट चल रहा है सर, और क्या नाम था जिसकी आइडेंटिफिकेशन होने पर उनका ये मिस्टर दीप सिद्धू उनका नाम पाया गया है जो आज दोपहर को ट्रेवल कर रहे थे और यहाँ से केएमपी पर उनका एक ट्रक के साथ एक्सीडेंट हुआ। सर गाड़ी खुद चला रहे थे या और देखिए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यही है कि वो गाड़ी खुद ही चला रहे थे और उनकी जो साथ ट्रेवल कर रही थी वो उनके साथ कंडक्टर शिप पर। सर कहाँ से कहाँ जा रहा था ये? उन्होंने हमें अभी हमारी इन्वेस्टिगेशन में यही आया कि ये बठिंडा की तरफ जा रहे थे, अपने पेरेंटल हाउस जा रहे थे। सर किस चीज से, किस वाहन से इनका? देखिए ये स्कॉर्पियो में ट्रेवल कर रहे थे और इनके एक वहाँ पर मौके पर एक 22 टायरा ट्रक मिला है तो हमारी इन्वेस्टिगेशन में अभी तक हमें यही लग रहा है कि उसी के साथ। सर ड्राइवर कहाँ है? उसका ड्राइवर अभी हमारी कस्टडी में नहीं है, हमारी टीम जॉब पर है कि उस ड्राइवर को नैब करें ताकि पूरी स्टोरी का पता। सर गाड़ी केएमपी पर ट्रक जो खड़ा था या फिर जा रहा था? देखिए हमारी सीन ऑफ क्राइम टीम अभी वहाँ मौके पर है, वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इस समय मेरे लिए कह पाना संभव नहीं होगा कि वो खड़ा था या वो ट्रेवल कर रहा था, बट सड़क हादसा या जो भी ये हुआ है, इवेंट हुआ है, ये सड़क के बीचों बीच हुआ है। हर पहलू पर जांच की जा रही है? हाँ जी। लोकेशन कहाँ पे? इसकी केएमपी पर करकौदा के पास। सर हर पहलू पर जांच की जा रही है? जी हम किसी भी चीज को रूल आउट नहीं कर रहे, हर पहलू पर हम अपनी इन्वेस्टिगेशन। पोस्टमार्टम के लिए सर क्या? पोस्टमार्टम कल सुबह होगा, अभी फैमिली मेंबर से हमने कांटेक्ट किया है तो उनके कुछ रिलेटिव्स आ रहे हैं, उसके बाद जो भी आने के बाद और जो उनकी ट्रेवलर थी उनकी स्टेटमेंट के बाद आगे की कार्रवाई को किया जाए। दीप सिद्धू पेशे तो वकील सन अते फिल्म विच अदाकारी भी कर चुके ने। दीप सिद्धू उदो चर्चा विच आए सन जदो 26 जनवरी 2021 नू लाल किले वल 3 खेती कानूना दे विरोध विच किसान जथेबंदियां ने ट्रैक्टर मार्च कढ़िया सी। उस वेले दीप सिद्धू ते खेती कानूना दे विरोध विच 26 जनवरी नू किसाना दी ट्रैक्टर परेड दौरान वापरी लाल किले दी घटना वेले हिंसा भड़काउण दे कथित इल्जाम लगे सन। दीप सिद्धू नू 9 फरवरी 2021 नू 26 जनवरी नू होई लाल किले दी हिंसा दे मामले विच गिरफ्तार भी किया गया सी। चार्जशीट मुताबक दीप सिद्धू सने इस केस विच नामजद 16 मुलजमां ते इरादतन कतल, सरकारी मुलाजम दी ड्यूटी विच रुकावट पाउण सने कई इल्जाम लगे सन। 16 अप्रैल नू उन्हां नू जमानत मिल गई सी, पर भारतीय पुरासरी विभाग वालों दायर एक शिकायत दे आधार ते दर्ज होए केस विच उन्हां नू पुलिस ने मुड़ गिरफ्तार कर लिया सी। कुछ होर दिन जेल विच रहन तो बाद 26 अप्रैल नू उन्हां नू जमानत मिल गई सी। इस घटना संबंधी अपनी सफाई विच दीप सिद्धू ने कहा सी, मैं किसे नू अग्गे लगा के नहीं लेके गया सी, ए सब कुछ वहन विच होया, किसे इक दे भड़काया नहीं होया। किसान अंदोलन वेले भी दीप सिद्धू अपने स्टैंड कारण चर्चा विच रहे सन। जदो किसान अंदोलन शुरू होया ता दीप सिद्धू यही कह रहे सन कि ए अंदोलन किसाना लई अते किसान आगुआं दी अगवाई विच ते यूनियना दे झंडे थले लड़ रहे ने। कुछ समय बाद दीप सिद्धू ने किसान आगुआं दे फैसलिया उत्ते सवाल चुकने शुरू कर दित्ते सन अते पंजाब हरियाणा सरहद ते शंभू बॉर्डर उत्ते अपना वखरा स्टेज लगा लिया सी। हालांकि उन्होंने भाषण ज्यादातर 3 खेती कानूना दी थां भारत दे संविधान विच निहित संघी ढांचे दुआले केंद्रित हुंदे सन। खेती कानूना बारे गल ना करन करके किसान संगठनां ने उन्हां उत्ते सिंघू बार्डर दी मुख स्टेज तो बोलन ते रोक लगा दित्ती सी। दीप सिद्धू दा जद्दी पिंड पंजाब दे जिले मुक्तसर साहिब दा पिंड उदयकरण है। दीप दे बठिंडा रहिंदे सगे चाचे ने बीबीसी नूं दस्या सी कि ओह 6 भरा सन अते दीप दे पिता सरदार सुरजीत सिंह पेशे तो वकील सन। दीप सिद्धू ने कुछ पंजाबी फिल्मां विच भी कम किया होया है। साल 2017 विच अमरदीप सिंह दी फिल्म जोरा 10 नंबरिया विच जोरा दे किरदार ने पंजाबियां दी दीप सिद्धू नाल पछाण करवाई। इस दे नाल ही उन्हां दी एंट्री पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री विच होई। दीप ने मुंबई विच ही कई फैशन शोज़ विच बतौर मॉडल हिस्सा भी लिया अते आखिरकार मॉडल तो अदाकारी वल पैर रखण दी तैयारी शुरू कर दित्ती।
साल 2015 विच देओल परिवार दे ही घरेलू बैनर विजेता फिल्म्स हेट दीप ने बतौर हीरो अपनी पहली पंजाबी फिल्म रमता जोगी कीती। उस मगरों उन्होंने कुछ होर फिल्मां भी कीतियां सन।